ईरान ने पहली बार दुनिया को बताया है कि उसके पास मिसाइल शहर है। जानकारों का दावा है कि ईरान ने जानबूझकर इसराइल पर हमला करने में देरी की है। दावा किया जा रहा है कि ईरान 2,00,000 मिसाइलों से इसराइल पर हमला कर सकता है। देख लो इसराइल, ईरान के मिसाइल शहर। ईरान अब वो करने जा रहा है जिसका अंदाजा शायद इसराइल को कभी नहीं था। ईरान अब ऐसा हमला करने जा रहा है जिसकी भनक सिर्फ अमेरिका को लगी है। ईरान ऐसा खूनी बदला लेने जा रहा है जो इसराइल के कम से कम 10 शहरों को भस्म कर देगा। क्या ईरान के मिसाइल शहर इसराइल के लिए कयामत बनने जा रहे हैं? जरा देखिए, ईरान के वो मिसाइल शहर जिसका दावा हिजबुल्ला के बाद अब ईरान ने कर दिया है। ईरान की मिसाइल सुनामी से इसराइल में तबाही। 16 अगस्त को हिजबुल्ला ने पहली बार अपने 2 मंजिला ऊंचे मिसाइल बंकर को दिखाया और अब लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास से डंके की चोट पर ऐलान किया है कि ईरान के पास इतने बड़े और विशाल मिसाइल शहर मौजूद हैं कि इसराइल को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। इससे पहले ईरान ने कभी भी अपने मिसाइल शहरों के बारे में दुनिया को नहीं बताया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इन मिसाइल शहरों में कम से कम 2,00,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2,000 किलोमीटर तक है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को दबा किया जा सके। खास तौर से आयरन डोम को ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इसराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही ना मिले। ईरान अपने मिसाइल शहरों से एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही ना बचे। जरा देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने क्या दावा किया है। ईरानी दूतावास ने खुलासा किया है कि ईरान में कई भूमिगत मिसाइल शहर मौजूद हैं और वो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ईरान का यह खुलासा स्पष्ट रूप से इसराइल को ध्यान में रखकर किया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल शहरों का खुलासा करके इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी गंभीर चेतावनी दे दी है। हानिया के हत्याकांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के कमांडरों को कसम खिला दी थी कि इसराइल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 15 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इसराइल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इसराइल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इसराइल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इसराइल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों और रक्षा मंत्री यो गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि इसराइल को भी लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्ला एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस वीडियो को देखिए जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ईरान, हिजबुल्ला और हमास के हमलों से निपटने की तैयारियां देख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि ईरान हिजबुल्ला और हमास के साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकता है जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी है। इस वक्त इजरायली सेना का सारा फोकस गाजा और हिजबुल्ला के हमलों पर है। हिजबुल्ला पिछले 8 दिनों से लगातार इसराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला ने हमले बेहद तेज किए हैं जिसका मकसद इजरायली वॉर प्लान को डिकोड करके ईरान दूसरी तरफ से मिसाइलों की बौछार करना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में बेहद माहिर माना जाता है क्योंकि उसके मिसाइल पावर जबरदस्त है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान की मिसाइल पावर का लोहा मानते हैं। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इसराइल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इसराइल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइल मिले जो इसराइल को एक ही हमले में तबाह करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इसराइल पर घातक हमला नहीं किया है।
क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़ा हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इसराइल को बचने का मौका ही न दे, यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इसराइल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी मिसाइल इस्कंदर को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS भी दे दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इसराइल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स BNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इसराइल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगे। अगर इसराइल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इसराइल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इसराइल का विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इसराइल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटांज परमाणु ठिकानों पर इसराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इसराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इसराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि अगर इसराइल ने उसके हमले के बाद बड़ा पलटवार किया तो ईरान का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। इसीलिए ईरान इसराइल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा है। और अब इसराइल से आ रही आज की बहुत बड़ी खबर। इसराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कसाब को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर की तलाश इसराइल सालों से कर रहा था और जैसे ही हिजबुल्लाह का कमांडर इसराइल के रडार की रेंज में आया इसराइल ने उसे मार गिराया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इसराइल के आयरन डोम की पोल खोल गई। अपने कमांडर पर हमले और सैन्य ठिकाने के तबाह होने के बाद हिजबुल्लाह ने इतने रॉकेट इसराइल पर बरसाए कि जिससे इसराइल में कई जगह पर आग लग गई। इसराइल ने मार डाला हिजबुल्लाह का कसा, हिजबुल्लाह का सैन्य ठिकाना हुआ तबाह। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दागे 55 रॉकेट। इसराइल ने हिजबुल्लाह के हाथ काट डाले हैं। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह का वो कसाई कमांडर मारा गया है जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। हिजबुल्लाह का वो कसाई कमांडर कसाब कैसे फंसा इसराइल के फंदे में ये हम आपको बताएं। उससे पहले देखिए उस अटैक का एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें कसाब मारा गया। लेबनान में ये हिजबुल्लाह का एक सैन्य ठिकाना है। बिल्कुल शांत, कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही। तभी चुपके से इसराइल का एक ड्रोन साउथ लेबनान के नबाती इलाके में दाखिल होता है। इसराइल को हिजबुल्लाह के इस ठिकाने की पूरी जानकारी थी। इसराइल के पास ये भी जानकारी थी कि हिजबुल्लाह का ये सैन्य ठिकाना है और हिजबुल्लाह इसे हथियार डिपो के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ड्रोन अब हिजबुल्लाह के ठिकाने के ठीक ऊपर पहुंच चुका है।
टारगेट लॉक होता है और तभी होता है एक जोरदार धमाका। धमाके के बाद जब धूल और धुएं का गुबार छटा तो पता चला कि इजराइल ने उस मोस्ट वांटेड को मार गिराया है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। हिजबुल्ला के उस कसाई कमांडर का नाम है कसाब, जो हिजबुल्ला के अल हज रदवान फोर्स में टॉप कमांडर था। हमले की फुटेज जारी करते हुए इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया कि इस हमले में हुसैन इब्राहिम कसाब को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्ला ने भी कसाब की मौत की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन इब्राहिम कसाब लेबनान के टायर शहर से मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी इजराइल ने ड्रोन अटैक में उसे मार गिराया। इजरायली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्ला के 412 आतंकी मारे जा चुके हैं और इब्राहिम कसाब भी उन्हीं में से एक है। इजरायल के इस हमले से हिजबुल्ला बुरी तरह से तिलमिला गया है। अब इजरायली हमले के बाद हुए उस जगह की तस्वीर देखिए, सब कुछ तबाह हो चुका है, ईंट दर ईंट ढह चुका है हिजबुल्ला का अड्डा। इमारत का कोई हिस्सा नहीं बचा जो सही सलामत हो। सामान ले जाने वाले इस ट्रक की हालत देखिए, ये भी बिल्डिंग के मलबे में दब चुका है। हमले के बाद लेबनानी मीडिया ने कहा कि इजरायली हमले में 10 की मौत हुई, 2 बच्चे भी मृतकों में शामिल थे। लेबनानी मीडिया ने कहा कि सभी पीड़ित सीरियाई नागरिक थे। इजरायली सेना ने कहा कि यह जगह हिजबुल्ला का हथियार डिपो था। लेबनान की सरकारी मीडिया एजेंसी NNA ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सुनिए हमले के बाद उस शख्स का बयान जो सबसे पहले वहां पहुंचा था। استشهد مجموعة من العمال يلي هن أساسا الناطور أو الكونسيرج وزوجته وولاده 2 أطفال وفي معه مجموعة من العمال كانوا كمان ساكنين بنفس المبنى وجميعهم سوريين الجنسية. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त को ही कसाब पर हुए हमले के बदले के लिए हिजबुल्ला ने IDF की चौकी पर एक ड्रोन हमला किया, जिसमें इजराइल के 2 सैनिक घायल हुए। एक सैनिक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दूसरा मामूली रूप से घायल हुआ है। ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्ला ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बयान भी जारी किया, जिसमें ड्रोन से 2 विस्फोटक दागने की बात कबूल की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इजराइल का आयरन डोम नहीं झेल पा रहा है हिजबुल्ला और हमास के हमले, और क्या इजराइल का आयरन डोम बूढ़ा हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हिजबुल्ला ने इजराइल पर सिर्फ एक ड्रोन हमला ही नहीं किया, बल्कि एक साथ शनिवार को उत्तरी इजराइल पर 55 रॉकेट दागे हैं। यह हमला इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया। इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के नबादी शहर के पास 10 लोगों की मौत हो गई थी। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्ला के कुछ रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जबकि दूसरे रॉकेट से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्ला के हमले के बाद इजरायल के कई इलाकों में आग लग गई, जिसके बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया गया और लोगों से उस जगह को खाली कराया गया। पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार से भर चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। इसीलिए इजरायल के आयरन डोम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इजरायल पर हमले के बाद हिजबुल्ला ने बाद में बयान में कहा कि हमने नबाती हमले के प्रतिशोध में उत्तरी इजरायल के आयलेट हाशियर केबुज पर हमला किया है और हमने अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। दावे इजरायल भी कर रहा है और दावे हिजबुल्ला भी कर रहा है। किसका दावा भारी पड़ेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच आपको हिजबुल्ला का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसने इजरायली अधिकारियों के माथे पर शकन ला दी है। हिजबुल्ला ने यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्ला ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को यह वीडियो जारी किया है। हिजबुल्ला की तरफ से जारी किए गए वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को
एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्ला ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्ला लड़ाके आते हैं। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, वो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्ला के इस सुरंग वीडियो को देखिए जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर चार जगह दिखाई गई हैं, जहां से इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी। हिजबुल्ला का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक पर रखे मिसाइल लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर निकलते हैं। हिजबुल्ला से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मायादीन ने कहा कि ये सुरंगें और मिसाइल सुविधा जमीन के अंदर बहुत गहराई में है, दुश्मन की खुफिया एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती है और ये हमले से बचाव प्रदान करती है। חיזבאללה כל יום מכות קשות מאוד, ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון או להגיע להסדרה מעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו. दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ईरान के इशारे पर इसराइल पर बड़े हमले कर रहा है। साफ है हिजबुल्ला को ईरान से ताकत मिल रही है, इसलिए वो इसराइल पर लगातार हमले कर रहा है, इसराइल को लगातार जवाब दे रहा है। ईरान की हमला करने की क्षमता को कम आंकना अब जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की घातक मिसाइल क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है और अब तो उसे पुतिन का भी साथ मिल गया है।